सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं पलवल हरियाणा एवीएस इंटरनेशनल कंपनी में। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में काफ़ी बेहतरीन पावर टिलर रखे हुए हैं पेट्रोल वर्जन में, जैसे कि साथ में एक छोटा पावर टिलर है। काफ़ी अच्छी खासियत है इसकी, जो हमारे किसान भाई बागवानी करते हैं या छोटा मोटा सब्जियों की खेती करते हैं, यानी सब्जियां बेचने के पर्पज़ से करें या घर में यूज करने के पर्पज़ से करें, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन 5 HP में पावर टिलर है जो कि पेट्रोल से ऑपरेट होता है। काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है किसान भाइयों। इसी के साथ जो ये दूसरा पावर टिलर है 7.5 HP में है, हमारे किसान भाई जो गन्ना की खेती करते हैं या गेहूं धान की खेती करते हैं या कोई वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, उन्हें मंडी वगैरह भी जाना हुआ, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है किसान भाइयों। इसी के साथ ये जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये 9 HP वेरियंट में है और इसका जो है पेट्रोल से ऑपरेट होता है। इसके साथ में अगर हम चाहेंगे तो गेहूं धान मक्का वगैरह की अगर कटाई वगैरह जो करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो किसान भाइयों, इन तीनों प्रोडक्ट पर हम स्टार्टिंग से लेके अंत तक बात करेंगे और वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें। किसान भाइयों, अगर जिस भी खेती से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, ये कंपनी के ऑनर शिवम गुप्ता जी हैं, इनसे इनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे इनसे। नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स हमको और आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए और अपनी कंपनी का परिचय दीजिए। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। हमारी कंपनी एवीएस इंटरनेशनल, हमारा ब्रांड एग्रीकल्ट, जो उद्देश्य रखता है अपने सभी किसान भाइयों को एक अच्छी मशीनरी देने जी। जैसे कि हम देख रहे हैं आपके 3 वेरियंट में 5 HP, 7.5 HP एंड 9 HP। सबसे पहले हम छोटे पावर टिलर पर, मिनी वाले पे हम बात करेंगे। हमारे कुछ छोटे किसान हैं जो बागवानी करते हैं या वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, इसके बारे में थोड़ी इसकी खासियत बताइए हमारे किसान भाइयों को। हमारा जो 5 HP का पेट्रोल वीडर है जी, इसकी सबसे अच्छी जो विशेषता है कि ये मैन पावर को कर देता है खत्म। लेबर का जो खर्चा आपके बागवानी में आ रहा है, आपकी सब्जियों की खेतियों में आ रहा है, आपके गार्डन में आ रहा है, वो सारा कुछ, सारा खर्चा खत्म करके एक अच्छी आमदनी का सोर्स भी पावर वीडर बन सकता है जी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ जगहों पे खरपतवार ज़्यादा हो जाती है और खरपतवार को उखाड़ने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होती है। लेबर आजकल मिलती नहीं है, मैन पावर की बहुत ज़्यादा खपट सी चल रही है। मैन पावर मिलती है पर बहुत महंगी भी मिलती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के और उस चीज़ का समाधान लेकर हमारा एग्रीकल्टर मिनी टिलर आया है। आप इससे खरपतवार को अच्छी तरह नष्ट कर सकते हैं, खेत की बढ़िया जुताई कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं और उसमें अच्छी फसल का उत्पादन भी कर सकते हैं जी। जैसे हम इसके इंजन वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, इंजन जो इसमें आपने लगाया है वो किस कंपनी का, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। हमने राटो सीरीज का इंजन लगाया है जो एक अच्छी पावर जनरेट करता है, पावर जनरेट करने के साथ साथ एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मशीन बनाता है जी। जैसे इसके हम फ्यूल टैंक के बारे में बात करेंगे, ये कितने लीटर का फ्यूल टैंक है एंड इसकी जो फ्यूल की कैपेसिटी है वो कितनी रहने वाली है प्रति आवर के हिसाब से। लगभग हमने 2 लीटर का फ्यूल टैंक लगा रखा है जो कि लगभग आपका 300 से 400 ml प्रति घंटे का तेल खपत खाए जी। जैसे इसके गियर वगैरह के प्रोविजन दिए हुए हैं काफी बेहतरीन तरीके से, तो इसमें गियर वगैरह कितने लगते हैं ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। मैं तो ये हमने इसमें टॉर्क कन्वर्टर गियर शिफ्टर लगा रखा है जी, जो कि आपका इजी गियर शिफ्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको गियर बदलने हैं। और गियर का भी प्रोविजन अलग है कि जैसे आपकी बहुत हार्ड मिट्टी है, आपको वहाँ पे गुड़ाई करनी है, खरपतवार को नष्ट करना है, तो आप सेकंड गियर में चला के खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट गियर में चला के उस मिट्टी को नरम कर सकते हैं। साथ के साथ RPM रेगुलेटर दे रखा है जो आपकी RPM, आपकी स्पीड को मेंटेन रखेगी कि RPM को मेंटेन रखेगी, मशीन भागेगी नहीं। साथ में आपके को एक क्लच वाला सिस्टम दे रखा है जिससे आप दबा के मशीन को आराम से ड्राइव मोड पे डाल सकते हैं जी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, इसमें कितनी ब्लेड लगती हैं मैक्सिमम, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। इसमें आपकी लगभग 16 ब्लेड हैं जी, 4, 4, 8, 4 और 4, 8 जी, 16 ब्लेड हैं। यह आपका लगभग 18 से 20 इंच कवर करता है। 18 से 20 इंच के गैप में आप इसे जो सब्जियां हो गई या फिर कोई और फसल होगी उसमें आसानी से खरपतवार और गुड़ाई कर सकते हैं जी। जैसे मैं इसमें देख पा रहा हूँ
इसमें जो व्हील दिया गया है ये पीछे दिया गया है, इसका क्या पर्पज रहा है पीछे लेने का? बहुत इजी, एक छोटे जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील दिया गया है, आप आराम से मशीन को कहीं पे भी ले जा सकते हैं और वहाँ से वर्क कर सकते हैं। जी, जैसे इसके हैंडल वगैरह को ऊपर नीचे एडजस्ट करने का भी कोई एडजस्टेबल मशीन हमारी सारी रहती है, अपने किसान भाई हमारे अपनी अपने सुविधा के अनुसार मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम साथ में देख रहे हैं आपका 7.5 HP में है, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को विस्तृत और अच्छी जानकारी दीजिए कि इसकी खासियत क्या है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। 7.5 HP का पेट्रोल इंजन जो आते हैं इनबिल्ट हेडलाइट के साथ, जी कम इंजन की खपत में ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारी मशीन देती है। PTO शाफ्ट का इसमें प्रोविजन लगा रखा है कि आप वाटर पंप और स्प्रे पंप लगा के इसमें सिंचाई के साथ साथ छिड़काव का भी काम कर सकते हैं। अगर दिन में आपको जल्दी काम करना है और रात को कोई पेंडिंग वर्क अधूरा छूट गया है उसे कंप्लीट करना है तो एक लाइट के सहारे से आप बहुत आसानी से इससे वर्क कर सकते हैं। जुताई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई और भी अन्य तरीके के काम हो गए, आपका हल चलाना, आपका कल्टीवेटर चलाना, आपका बेड चलाना, सारे काम सक्षम रूप से करने के लिए पावर वेटर बना, मतलब कोई भी अटैचमेंट इसमें हम लगा सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। जैसे इसमें रोटावेटर जो लगता है वो कितने ब्लेड का होता है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। रोटावेटर आपका 3 फिट का लगता है जो कि आप कम कर सकते हैं 1.5 फिट, मतलब कम और ज़्यादा जो है अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग का सिस्टम दिया गया है वो किस तरीके का दिया गया है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसी रिकॉल सिस्टम है, आपको कुछ नहीं करना, रस्सी खींचनी है और ज़्यादा दूर तक भी नहीं, बहुत पहले ही मशीन स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी स्टार्ट है इसका। जी, जैसे कि हमारा कोई किसान भाई है वो पहाड़ी क्षेत्रों में वर्क करता है, उसके खेत जो है पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो क्या ये मशीन जो है वहाँ पर कारगर है या नहीं है? ये जो हमारे किसान कुछ धान की खेती करते हैं, क्या ये उसमें भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? धान की खेती हो, गेहूँ की खेती हो, ईख की खेती हो, आपकी वेजिटेबल की खेती हो, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, किसी भी टाइप की खेती हो, वहाँ पे सक्षम रूप से चलने के लिए ही ब्रीडर को तैयार किया गया है। बट महाराष्ट्र की काली मिट्टी, हिमाचल की पठारी मिट्टी, हर तरह की मिट्टी में ब्रीडर सक्षम रूप से आपका चलेगा। जी, जैसे इसके इंजन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे हम कि ये इंजन जो आपने इसमें लगाया है वो किस कंपनी का इंजन है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। इटालियन सीरीज इंजन रहते हैं जो कि मेंटेनेंस को कम और फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाकर चलते हैं। जी, जैसे इसके गियर वगैरह का क्या प्रावधान, क्या सिस्टम आपने दिया है, हैंडल वगैरह एडजस्टेबल है कि नहीं? कुछ किसान की हाइट हमारे ज़्यादा होती है, कुछ के किसानों की हाइट जो होती है हमारी कम होती है, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। ऑपरेशन मशीन है, आपके सारा कुछ आपके हाथ में दे रखा है, गियर शिफ्टिंग आपके हाथ में है, रेस आपके हाथ में है, क्लच आपके हाथ में है और साथ के साथ मशीन का हैंडल एडजस्टेबल है, अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपके बाजू में दर्द ना हो उस हिसाब से आप मशीन को चला सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे किसान भाई जो हैं बहुत कमेंट करते हैं, पर्सनली मैं एक फार्मर भी हूं तो किसानों के यहाँ विजिट भी करता हूं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वो कहते हैं कि पावर बीडर में जो है वाइब्रेशन होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, वाइब्रेशन भी क्या होता है, कभी कभार जैसे आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई आप ये लगा के चलिए, आपने नई नई बाइक खरीदी है, आपको बाइक के साथ ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है, किस रेस में आपकी बाइक चल रही है, वैसे ही पावर वीडर के साथ होता है। आप मशीन के साथ ढलेंगे, मशीन आपके साथ ढलेगी और जैसे जैसे आप मशीन के साथ एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आप वाइब्रेशन तो क्या आप इस मशीन के साथ 1 घंटे में 1 एकड़ तक की जुताई भी कर पाएंगे। जी, जैसे कि साथ में हम आपकी तीसरी मशीन देख पा रहे हैं, 9 HP में है और इसके पीछे आपने रीपर भी लगा के रखा है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि किन किसानों के लिए सबसे बेहतरीन मशीन है ये? ये अपने आप में ही दमदार ट्रैक्टर का काम करता है, सबसे पॉपुलर और सबसे डिमांडेड प्रोडक्ट है हमारा इस टाइम में। जी, तो पेट्रोल इंजन साथ में 9 HP जो पावर रखता है लगभग 10 HP तक की। जी, और रही बात इसकी फ्यूल की खपत, इसकी बहुत कम है और इसमें आप वो सारे काम बेखूबी कर सकोगे जो आपका ट्रैक्टर खेत में करता है। अब मैं ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ तो जुताई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कटाई और लोडिंग, ये सारे काम बेखूबी हमारा 9 HP पावर राटो सीरीज का पावर वीडर। मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई इसे परचेज करता है, निराई भी करेगा, गुड़ाई भी करेगा, उसके साथ साथ अगर जो भी फसलें हमारे खेत में पैदा हो रही हैं, यानी अगर मैं खेत से घर ले जाना है और या खेत से मंडी ले जाना है,
उसको कटाई भी करेगा, ले जा के बाद लोडिंग करके मंडी तक भी ले जा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे कि मैं साथ में देख पा रहा हूँ आप रीपर सेट करके रखे हैं और हैंडल भी इसी तरफ को है, तो ये रीपर ऑपरेट कैसे होगा मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, किसान भाई को थोड़ा सा समझाइए इसके। हैंडल आपको तर के 360 डिग्री में आ जाता है, तो आप इसे रिवर्स में रीपर को बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमारा एग्रीकट का रीपर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें जो रीपर लगा रखा है वो इसमें बहुत सक्षम रूप से चलता है, नीचे तक गुड़ाई करता है, 1.5 इंच तक की मैं कटाई करता है और 1.5 इंच में आपकी फसल छोड़ के कटाई करेगा और बहुत ही बढ़िया कटाई करते हुए ये रीपर जी। जैसे हम इसके इंजन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, ये किस कंपनी का इंजन है जो आपने इसमें लगाया है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। हमने राटो सीरीज का इंजन लगा रखा है जो कि हाई परफॉर्मेंस के साथ लो मेंटेनेंस में एक अच्छी फ्यूल की एफिशिएंसी बरकरार रखता है। जी, जैसे कि अगर हम इसको चलाना चाहें खेत में, अगर हमारा कोई किसान है, लगातार ये कितने घंटे तक चल सकता है बिना बंद किए हुए? इसमें एयर कूल्ड इंजन होता है, अब लगातार इससे 12 घंटे मशीन चला सकते हैं, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मशीन को लेकर। और मशीन की अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो बहुत लो है, तो आप अगर इसका एयर फिल्टर साफ रखेंगे तो मशीन में आगे कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं। जी, जैसे अगर मैं बात करूं धान का सीजन है, अगर कोई किसान है वो हमारा धान में चलाना चाहता है और मैं मान के चलूं कि धान में ये गाड़ी जो है लगभग नीचे का जो सतह है इसका डूब के चलेगा पानी में, तो कोई समस्या तो नहीं आने वाली है गाड़ी में? कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, आप पानी में इसे धान में आराम से पडलर लगा के कीचड़ कर सकते हैं। इसमें जो सील्स लगा रखे हैं वो वाटरप्रूफ हैं, मशीन पूरी वाटरप्रूफ है, मशीन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी, जैसे आपने पडलर की बात की, जो इसमें इसके साथ आप रोटावेटर देते हैं वो चल जाएगा या उसके साथ कोई दूसरा अटैचमेंट लगेगा धान में कद्दू करने के लिए? धान में कद्दू करने के लिए स्पेशल पडलर लगते हैं, वो पडलर जहाँ पे रोटावेटर हम लगाते हैं वहीं पे ही उसे पडलर को यूज़ करा जाता है, वहीं पडलर लगा के मशीन से हम कीचड़ कर सकते हैं। जी, अगर इसके हम स्टार्ट करने के सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये स्टार्ट कैसे होता है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। स्टार्ट बहुत आसान है, ईजी रिकॉइल है इसका, कुछ नहीं करना, आपको हल्की सी रस्सी खींचनी है, इंजन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। पहले गियर में चलाइए, दूसरे गियर में चलाइए, आपके खेत पर निर्धारित है, जैसा आपका मन करे वैसा गियर बदल के आप मशीन को वर्क कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने इसके बारे में काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी दी, लेकिन हमारे कुछ किसान हैं वो कहते हैं कि पावर टिलर जो होता है वो टिक के खेतों में नहीं चलता, जैसे वो चलाते हैं तो भागता है, तो इसके बारे में क्या आपकी राय है, क्या इसमें कुछ आपने नया फीचर ऐड किया है या नहीं किया है? इसमें हमने RPM रेगुलेटर का सिस्टम लगा रखा है, फीचर है जो कि आपकी स्पीड को मेंटेन रखता है। जो आप ये रेगुलेटर देख रहे हो इसे आप जिस स्पीड पे छोड़ दोगे उसी कांस्टेंट स्पीड पे मशीन चलेगी, ना तो आपको भागना पड़ेगा और मशीन खेत में टिक के काम। जी, जैसा कि हमारा कोई किसान भाई है आपसे ये मशीन खरीदना चाहता है, लेकिन इसकी आपकी कंपनी की क्या खासियत है कि वो आपसे ही परचेज करे? क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पावर टिलर की कंपनियां हैं और बहुत सारे आसपास में दुकानें भी हैं जहां से वो खरीद सकते हैं, लेकिन आपसे खरीदने का क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे किसान भाइयों को, ये थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो होता है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कंपनी से किसान भाइयों को घर तक पहुंचाते हैं मशीन। जी, तो उन्हें एक तो घर तक पहुंचने का लाभ मिल जाता है। जी, ऊपर से सीधा कंपनी से मशीन आ रही है तो उनको एक मार्केट प्राइस से कम कीमत पे मशीन मिलती है। जी, एक और सबसे बड़ा वजह क्या होती है कि मशीन आपको एक ओरिजिनल और जेन्युइन पार्ट्स के साथ मिलती है। जी, और स्पेयर पार्ट्स की पूरी अवेलेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम मशीन आपको सब्सिडी काट के देते हैं, सब्सिडी का जो भी परसेंटेज होता है मशीन में उसकी मशीन की कॉस्ट में ऑलरेडी कट होकर आपके घर तक पहुँचती है। यानी हमारे किसान भाइयों को कहीं सब्सिडी लेने के लिए परेशान नहीं होना होगा, आप जो सब्सिडी देंगे वो खुद कट करके देंगे। हाँ जी, लेकिन अदर कंपनियां जो होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करती हैं ये चीज़ें। जी, जैसे हमारे कोई किसान भाई हैं अब इसे मंगवाना चाहते हैं, तो इसको मंगवाने का क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। कुछ नहीं, हमारा बुकिंग अमाउंट है, आप बुकिंग अमाउंट हमारे करंट अकाउंट में डलवाइए, उसके बाद आपकी मशीन एक क्वालिटी टेस्ट से गुजरेगी जिसमें आपकी मशीन का इंजन का RPM और एक R&D आपकी मशीन का होएगा। उसके बाद हम मशीन को हल्का सा डिसअसेंबल करके एक वुडन बॉक्स में पैक करेंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मशीन में कोई डैमेज ना आए और आपके आंगन के बाहर आपकी मशीन 4 से 7 दिनों में पहुंच जाएगी। जी, जैसे मैं बात कर लेता हूं उसकी वारंटी गारंटी का क्या सिस्टम है, तो कुछ वारंटी गारंटी भी हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं? जी, इसमें आपकी 1 साल की वारंटी रहेगी स्पेयर पार्ट में, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपकी मशीन में आ जाती है 1 साल तक तो हम फ्री में स्पेयर पार्ट देंगे, उसके बाद भी सालों साल तक मशीन के स्पेयर पार्ट सबको अवेलेबल टाइम टू टाइम कराए जाएंगे। जी, जैसे हमारे कोई किसान भाई हैं परचेज
परचेज कर लिए उनके घर पे, जैसे आप बता रहे हैं द्वार के बाहर ही ये मिलेगी, वहाँ पहुँचने के बाद बहुत से किसान हमारे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो क्या अगर उन्हें कोई असेंबल करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप क्या सिस्टम प्रोवाइड करते हैं? उसके लिए हमारा टेक्नीशियन का जो स्टाफ है वो आपके साथ फ़ोन पर जब तक रहेगा तब तक आप मशीन को स्टार्ट नहीं कर लेते जी। आपके पास मशीन आएगी, हम वीडियो कॉल पर रहेंगे, जब तक आप मशीन को स्टार्ट करके रन नहीं कर लेते तब तक हमारा स्टाफ आपके साथ वीडियो कॉल पर ही रहेगा जी। जैसे कि हमारा किसान भाई है, उसने परचेज कर लिया, आपने असेंबल भी करवा दिया, मशीन बहुत अच्छी चली, लेकिन जब सर्विस वगैरह का टाइम आता है तो हमारे किसान भाइयों को याद नहीं रहता, कुछ किसान होते हैं उनको याद रहता, कुछ को नहीं याद रहता, क्या आपकी कंपनी की तरफ से कोई रिमाइंड कॉल वगैरह जाती है या नहीं जाती है? हमारे सभी किसान भाइयों को हफ्ते में 2 बार कॉल जाती है कंपनी की तरफ से, जिसमें कंपनी की मेंटेनेंस के बारे में रिमाइंड कराया जाता है और उनके वर्किंग के बारे में पूछा जाता है कि मशीन में क्या आप किस तरह से मशीन को वर्क कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कैसी मशीन वर्क कर रहे हैं जी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इस मशीन को खरीदने के बाद इन दोनों मशीनों को क्या हमारा कोई किसान इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता? बहुत आसानी से जनरेट कर सकता है हमारे किसान भाई, किराए पे देके, रेंट पे देके मशीनों को आप काम करवा सकते हैं, आप 9 HP में रीपर लगा के उसे किराए पे देके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, साथ ही साथ अपने अन्य किसान भाइयों को एक मशीन प्रोवाइड करके उनसे भी अच्छा एक किराया जी का साधन बना सकते हैं जी। और कुछ हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे क्या? ABS इंटरनेशनल एग्रीकट हमेशा एक उद्देश्य रखते हैं कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी मशीनरी एक कम कीमत में प्रदान हो, जिससे वो अच्छी फसल का उत्पादन कर सके जी। जैसा कि किसान भाइयों, शिवम जी ने कंपनी के ऑनर जो हैं उन्होंने काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने जानकारी दी तीनों प्रोडक्ट के बारे में। किसान भाइयों, छोटा है उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है किसान भाइयों, तो जिसकी आपको आवश्यकता है वो आप कंपनी में कॉल करिए, कॉल करके आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी कंपनी की ये बात है कि ये नहीं है कि आपको बड़ा प्रोडक्ट पकड़ा देंगे, जिसकी आपको ज़रूरत है पहले वो आपसे कॉल पे बात करते हैं कि आपको ज़रूरत किस प्रोडक्ट की है। ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए वो आपको महंगा प्रोडक्ट पकड़ा दें और आपको ज़रूरत ही ना हो उसकी, तो वो आपके हिसाब से ही पहले आपसे बात करेंगे कि आप कौन सी खेती करते हैं, कौन सी फसलें लगाते हैं, उसके बाद जो है आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। किसान भाई, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये खुद प्रोडक्ट को बनाते हैं, सबसे बढ़िया ये है कि बीच में जो बिचौलिया का सिस्टम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो किसान भाई आप इनके यहाँ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और पावर टीलर जो होता है एक बहुत ही अच्छी मशीन है, क्योंकि मैं खुद भी एक फार्मर हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ, तो आप पावर टीलर को खरीद कर अपने खेती को टेक्निकल बना सकते हैं और उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।